अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। गाइस, आज की वीडियो में हम हायर पाकिस्तान इनका मैनेजमेंट ट्रेनी MTE इलेक्ट्रिकल का पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस पेपर के पार्ट वन और पार्ट टू को डिस्कस किया था, आज हम पार्ट नंबर थ्री को डिस्कस करेंगे। पार्ट थ्री में टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट MCQs हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस पेपर के। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ चुका है, सेक्शन 5 है इंजीनियरिंग MCQs, पार्ट नंबर 3 है इस वीडियो का। तो टेक्निकल MCQs हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, द इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इसको वोल्टेज कहा जाता है। आपके नंबर सी विल बी करेक्ट चॉइस, हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है, इज वोल्टेज। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिस सब्सटेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर द लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस। तो कंडक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर द लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर थ्री है फ्रेंड्स, इसमें आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर, जिसमें पुअर कंडक्टर नहीं है इसमें। तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, कॉपर, कार्बन। तो इसमें करेक्ट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर, कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आउट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, इनमें से कौन सा करेक्ट है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं ये। जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पेपर इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पास द करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो दे बेसिकली कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो करंट को पास करता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है वो उसका रेसिप्रोकल जो बनता है वो रेजिस्टेंस बनता है। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 7, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज एज इनवर्सली आर इज इक्वल टू द रो एल ओवर ए। तो राइज यूनिवर्सिटी एज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के लिहाज से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज यूनिवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ SI यूनिट एज वाट। तो SI यूनिट जो बनती है इसमें वो पावर की SI यूनिट जो है वाट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चाइस। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इनमें से कौन सा जिसमें कोई यूनिट नहीं है, परमेबिलिटी, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट चॉइस बनती है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज़ नो यूनिट, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, मेटल जो वो बेसिकली इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के वजह से। और सेमीकंडक्टर की बात की जाए वो इसके अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है, व्हेन विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द प्योर मेटल विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट चॉइस। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर हमें दी गई है, 200 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 21
21 ओम्स है ये बनती है बेसिकली, क्यों इफ इट्स थिकनेस डायमीटर इज 0.44, तो इसमें आर इज इक्वल टू एल एवर ए, और आखिर में ये फार्मूला आपको लगता है, इसका सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर जो इसमें बनता है 12 नंबर क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी इज करेक्ट साइज 1.6 मल्टीपाई 10^-8, इसका सोल्यूशन फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 15 ओम 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ये पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो गाइस, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनती है वो 5 ओम बन जाती है, 5 ओम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनती है पैरेलल में, आरटी जो बनती है वो 5 ओम के इक्वल है। तो हमारे पास में जो मोस्ट पेड जो आंसर हम यहाँ पर लिखा सकते हैं, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1.6 वाला उन्होंने लगाया है इस क्वेश्चन को, हम क्या इस ऑप्शन को लगा सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी आपके सामने इसका आ रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को डिटेक्ट करती है, इसको इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है उसको भी गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है उसके लिए, तो इस उसको हम गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब ड्रॉज 300 mA व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई लगा लें फ्रेंड, ये फार्मूला यहाँ पर यूज होता है, आर इज इक्वल टू इसका गाइज आपका सोल्यूशन भी आपके सामने आ रहा है, इसमें 240 डिवाइडेड बाय 300 10^-3 करें तो इसको सॉल्व कर देंगे गाइज, तो आपके पास जो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट आंसर बनता है। तो जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो आ जाएगी इसकी, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर इज इक्वल टू द 800 आपकी ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये हमारा इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।